तो उसके हिसाब से तो लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास महीना हो गया ये मशीन कमा के दे सकते। आप किसी के हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं और साथ के साथ अपना एक अच्छा सा बिजनेस भी अपना खड़ा कर सकते हैं। अभी मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये पूरे बहुत सारे जो हमने कुछ मॉडल्स आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, आज इसमें से एक मॉडल हम चूज करेंगे जिसमें आपको प्रोडक्शन भी दिखाऊंगा। सिंगल आदमी भी इसे आराम से ऑपरेट कर सकता है। हाँ जी, और एक बड़ी खासियत है कि ये पूरी मशीन सिंगल फेज की है, मतलब अच्छा यस पूरी सिंगल फेज। इतनी बड़ी मशीन सिंगल फेज, पूरी सिंगल फेज में चलेगी, एक बटन से पूरी मशीन चालू हो जाएगी। हाँ जी, फाइनल प्रोडक्ट बाहर से निकलता हुआ मिल जाएगा। बहुत इनफ है। मतलब मुझे लगता है ये तो समझो बेचने वाला चाहिए, बेचने मशीन कमी नहीं, मशीन की कमी नहीं। आप चाहे 24 घंटा चलाओ, हैवी ड्यूटी मशीन है। हाँ जी, 365 डेज चलाओ। अच्छा, बैंक लोन के लिए उनको मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हाँ सर, मतलब एक बार उसके विचार आना चाहिए कि मेरे को खाली ये बिजनेस करना है, बाकी आप देखो। बाकी हम कस्टमर को उंगली पकड़ के जब तक उसका फर्स्ट प्रोडक्शन नहीं निकलता तब तक उनके साथ है। तो मशीन के साथ आपको रॉ मटेरियल का भी मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जीरो कॉस्ट में आपके वहाँ पे पहुँच जाती है पार्टी के। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आपको सैनिटरी पैड का बिजनेस करना है तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग सैनिटरी पैड नहीं समझते हैं भाई, मैं उनको दिखा दूं, शायद आपको देख के पता चल जाएगा। ये वो जो पैड्स हैं इन जो लेडीज ड्यूरिंग द पीरियड्स यूज करती है उसको सैनिटरी पैड बोलते हैं भाई। ये एक ऐसी चीज है भाई जो नेसेसिटी है, हर लेडीज को इसकी जरूरत है। और इस बिजनेस में आप समझिए कि बहुत अच्छा काम करते हैं जब आप इस बिजनेस में एंटर करते हैं। आप किसी के हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं और साथ के साथ अपना एक अच्छा सा बिजनेस भी अपना खड़ा कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगभग आपको जो यहाँ पे मशीन मिलेगी वो 5.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। और ये लोग जहाँ जिस कंपनी में मैं अभी खड़ा हूँ 1.25 करोड़ तक की इनके पास मशीन्स होती हैं। ये जो मॉडल्स जो मैं बता रहा हूँ 5.5 से 1.25 करोड़ तक का, ये डिपेंड करता है भाई आपको प्रोडक्शन कितना चाहिए, हर घंटे में कितने पीस बना करके आपको चाहिए मशीन से, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये पूरे बहुत सारे जो हमने कुछ मॉडल्स आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, आज इसमें से एक मॉडल हम चूज करेंगे जिसमें आपको प्रोडक्शन भी दिखाऊंगा और बात करेंगे कि एक पीस को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा और कितने प्रॉफिट पे आप इसमें काम कर सकते हो। तो मेरे साथ में अभी रेडियंस इंडिया जो कि ये कंपनी है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ इसके मार्केटिंग हेड रहेंगे अंकित जी, उनसे बहुत सारी टेक्निकल चीजें पूछने वाले हैं। जब तक आप थोड़ा सा एक बार ये मैं चाहूंगा कि कैमरा घुमा करके आपको दिखा दूं कुछ मॉडल्स हैं जिनके बारे में मैं आज मैं आपको बताऊंगा। जो डेमो जो आप देखोगे वो ये वाला मशीन है, इस मशीन को कितने की है, कितना प्रोडक्शन आएगा, वो आपको सब कुछ पता चलने वाला है। आइए सर, कैसा है मुकेश जी? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया सर। सर ज्यादातर चीजें तो मैंने बता दी हैं। Sure. आपने सर टेक जो मशीन्स के बारे में क्या कुछ बता सकते हो वो थोड़ा बताएं सर। डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट मॉडल है, कस्टमर के बजट के हिसाब से हम उनको मॉडल सिलेक्ट करवाते हैं जी। और नॉट ओनली मशीन, यहाँ पे पूरा मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हाँ जी, कि कस्टमर को जो हमारा 15 सालों का एक्सपीरियंस छिपा हुआ है मशीन इंडस्ट्री में। हाँ जी, तो कस्टमर को क्या क्या करना चाहिए, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसका फाइनल पैकेजिंग वगैरह, रॉ मटेरियल हम सोर्स करके देंगे उनको, जितने भी अटैचमेंट्स लगेंगे, स्टेबिलाईजर, सीलिंग मशीन, उनके बारे में प्रॉपर गाइड देंगे। हाँ, मतलब पूरा बिजनेस उसके सामने हम ओपन करके सर, मतलब अगर ये जो मशीन मैं देख रहा हूँ अगर ये मशीन मैं लगा लूँ या कोई भी बंदा लगा ले तो पूरा एक ब्रांडेड जैसा प्रोडक्ट बना सकता है। यस डेफिनेटली, जब भी मतलब कस्टमर्स विजिट पे आते हैं तो उनको हम रनिंग मशीन दिखाते हैं शो करके। हाँ जी, और यही मशीन में से निकला हुआ प्रोडक्ट को मार्केट के जो बड़े ब्रांड्स है उसके साथ हम एक डेमो कंपेयर करवाते हैं। ओके, तो डेफिनेटली कस्टमर के सामने ही मतलब रिजल्ट मिलेगा जो भी। हाँ जी, और वो देख के ही पता देगा कि हमारे मशीन से निकला हुआ क्वालिटी कैसा है। सही है, तो सर मेरे ख्याल से और चीजें बाद में समझ लेंगे, एक बार प्रोडक्शन देख लें सर। ये sure, अभी वर्किंग कंडीशन में सर ये जो मशीन 100%। चलिए सर एक बार प्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो रनिंग मशीन दिखाने से पहले मैं आपको पूरा मशीन समझा देता हूँ कि इसे क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और कैसे मशीन रन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले 3 पार्ट में मशीन आती है। इसमें जनरली मार्केट में आपको 4 से 5 लेयर के प्रोविजन मिलते हैं, हम आपको यहाँ पे ये मशीन में 7 लेयर तक के प्रोविजन देंगे। ठीक है,
ये आप चार ऊपर देख रहे हैं, तीन नीचे, मतलब सेवन लेयर तक के पेड़ आप बना पाओगे। ओके जी। इसमें फिर दूसरा जो पार्ट है वो है मेन मशीन का पार्ट। इसमें सीलिंग और कटिंग पूरा सेपरेट दिया हुआ है। हाँ। तो मशीन का जो स्पीड है और जो अपना डाई का लाइफ है वो काफी इम्प्रूव हो जाएगा मशीन में। ओके। और स्मूथली वर्क करेगा, साथ में हाईली प्रोडक्शन होगा। हाँ जी। वेस्ट मटेरियल का रिवाइंडिंग दिया हुआ है, तो आपका वेस्ट मटेरियल ऑटो रिवाइंड हो जाएगा और जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है वो यूवी स्टेरिलाइजेशन में होके यहाँ पे अपना फाइनल पैड बाहर निकली जाएगा। चलिए, और मैं आपको तीनों टाइप के पैड बता देता हूँ। हाँ जी। कि इसमें से आप कौन से टाइप के पैड बना पाते हो। हाँ जी। तो ये है अपना फुल पैड रेगुलर, ठीक है। फिर अपना ये आ गया कोरकोर। हाँ जी। जहाँ से अपना ऊपर और नीचे 15-20 mm जितना मटेरियल सेव होता है। हाँ जी। और थर्ड वन इज अनियन चिप। ओके। ये तीनों टाइप के पेड आप एक ही मशीन में से बना सकते हैं। यस, सही है सर। तो मुकेश जी, अभी मैं आपको ये पूरा मशीन रनिंग करके दिखाऊंगा। हाँ जी। मतलब सिंगल आदमी भी इसे आराम से ऑपरेट कर सकता है। हाँ जी। एक बटन से पूरी मशीन चालू हो जाएगी। हाँ जी। हमको फाइनल प्रोडक्ट बाहर से निकलता हुआ मिल जाएगा। हाँ। मिल जाएगा। अच्छा सर, ये जो आपने दे रखा है, ये काउंटर भी है क्या? मतलब यहाँ पे पूरा काउंटिंग भी होता है कि आपका कितना प्रोडक्शन निकल रहा है। अच्छा, ये मशीन प्रोडक्शन कितना देगी सर? एक वो भी ये आपका पर मिनट 45-50 पीसेस का प्रोडक्शन है। हाँ। मतलब अपना घंटे का 3,000-3,500 पीस आप आराम से निकाल सकते हो। और एक बड़ी खासियत है कि ये पूरी मशीन सिंगल फेज की है। मतलब अच्छा, यस, पूरी सिंगल फेज। इतनी बड़ी मशीन सिंगल फेज, पूरी सिंगल फेज में चलेगी। बहुत बढ़िया सर। चल, आप अभी चालू कर दीजिए सर, बस मैं आपको रनिंग कर देता हूँ। तो ये हमारे सारे फैब्रिक लगे हुए हैं। अभी हमने 5 लेयर में चल रही है पूरी मशीन। पूरी मशीन रनिंग कंडीशन में है। सीलिंग कटिंग सेपरेट हो रहा है, वेस्ट मटेरियल का रिवाइंडिंग हो रहा है, और लास्ट वाला जो पार्ट है मतलब यूवी स्टेरिलाइजेशन का, हाइजीन इंडस्ट्री में आती है, जिसके लिए मैंडेटरी है और काफी अच्छा प्रोडक्शन निकल रहा है। ये जो सर फ्रंट पे जो लगा हुआ है, ये यूवी प्रोटेक्शन है। ये पूरा यूवी चैम्बर विद ऑनलाइन कन्वेयर है। हाँ। मतलब इतना बड़ा सर यूवी चैम्बर है ना, पूरा इंडिया में कोई मशीन वाले देते नहीं है। अच्छा। ये एक एड ऑन फैसिलिटी है, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरर। हाँ हाँ। तो हम अपने मशीन को कस्टमर्स एंड से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं अभी आपके पास खड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। और मशीन अपने आप चल रही है, इजी गोइंग प्रोडक्शन निकल रहा है। हाँ हाँ। इसको खाली मतलब जो रोल है वो खत्म ना हो जाए, उसके लिए अपने को मतलब थोड़ा देखता रहना है। Okay. बाकी पूरा मतलब ऑटोमेटिक मशीन है जी। आप 8 घंटे चलाओ, 12 घंटे चलाओ, 24 घंटे चलाओ, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं आएगी। सर, इसका जैसे साइज वाइज भी कुछ छोटा बड़ा करना हो तो वो भी पॉसिबिलिटीज है? हाँ, वो भी हो जाएगा। मशीन के साथ आपको एक डाई हम देते हैं। हाँ। फिर आपको अलग से डाई चाहिए तो खाली आपको डाई परचेस करना रहता है। ठीक है। आप डिफरेंट साइजेस भी उससे बना सकते हैं। अच्छा, अब मेन बात आ जाते हैं, जब बिजनेस करते हैं तो सर सबसे ज्यादा मेन चीज हमें क्या देखना होता है कि भाई एक सैनिटरी पैड को बनाने में कितना लागत आएगा? सर सही बात है, इसमें ना 3-4 पैरामीटर काम करते हैं। जैसे आपका नंबर ऑफ लेयर क्या है। हाँ। आप ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी क्या डाल रहे हो। ठीक है। आपका पैकेजिंग कैसा है। ठीक है। तो ये सारी चीजों में मतलब मैं हाईली बेसिस पे अगर आपको बताऊं कि स्टैंडर्ड मटेरियल हम यूज करते हैं। हाँ। 5-6 लेयर में पैड बनाते हैं। ठीक है। इसका ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी मोर देन 120-150 ml का है। ठीक है। और आपका पैकेजिंग भी रनिंग मार्केट जैसा है। हाँ। तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा आपका सब कुछ खर्चा मिला के 3 रुपए में एक पैड कंप्लीट रेडी हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी वाला जो पैड है, स्टैंडर्ड क्वालिटी। यस, स्टैंडर्ड क्वालिटी का 3 रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। जिसमें आपका रेंटेड जगह आ जाएगी। हाँ। आपका ऑपरेटर का सैलरी, मेन पावर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ। अच्छा, सब कुछ जोड़ करके 3 रुपए में हो जाएगा। ठीक। मतलब आपका फाइनल पैकेजिंग भी आ गया इसमें। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर इस पे, जैसे अगर किसी को होलसेल में सप्लाई करना है ये, राइट, तो वो कितना मार्जिन रखे उस पे सर, कम से कम? जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है। हाँ जी। वैसे वैसे इसका डिमांड भी काफी बढ़ रहा है। हाँ। और ये मशीन का। हाँ। मैं आपको प्रोडक्शन बताऊं। हाँ। कि ये एक शिफ्ट में मतलब 12 घंटे की एक शिफ्ट में 8.5-9 लाख पैड महीने में आपका बनाएगी। ये तो बहुत ज्यादा है सर। बहुत इनफ है। मतलब मुझे लगता है ये तो समझो बेचने वाला चाहिए, बेचने वाला कमी नहीं, मशीन की कमी नहीं। आप चाहे 24 घंटा चलाओ। हाँ। हैवी ड्यूटी मशीन है। हाँ जी। 365 डेज चलाओ। अच्छा अच्छा सर, जैसे आपने बताया भाई 9 लाख
पैड ये बना सकती है लगभग अंदाजे से, तो मैं इस पे कम से कम कितना 20 पैसे का मार्जिन मान के चलूं, 50 पैसे का मार्जिन मान के चलूं, कितना मिनिमम 50% मार्जिन तो लेके चलना ही है, 50 पैसा एक पीस पे, तो उसके हिसाब से तो लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास महीना हो गया ये मशीन कमा के दे सकती। और दूसरी एक चीज है कि जैसे आप रिटेल में अपनी खुद की ब्रांड बना के आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो पीस पे मतलब एक रुपया आपका कहीं नहीं गया। अच्छा, फिर वो डबल हो जाता है सीधा। अच्छा, फिर ये मशीन की कॉस्ट कितनी है सर, ये कितने की पड़ेगी? ये पूरा है ना सर 10.5 लाख रुपए का मशीन है। हाँ। क्योंकि इसमें मतलब जो जो स्पेसिफिकेशन हमने दिए हुए है हाँ जी। वो काफी यूनिक है और हाँ। दूसरा क्या है कि इसके जो स्पीड है हाँ वो काफी ज्यादा है, मतलब सीलिंग कटिंग सेपरेट है हाँ। तो जिससे जो हमारी डाई है हाँ उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसकी आयु बढ़ जाती है। ओके। वेस्ट मटेरियल का वो तो रिवाइंडिंग दे दिया है, तो मैन पावर लेस कर दिया है हाँ। तो ये सारी चीजों का मैं मतलब ये मशीन की काफी खासियत है। ठीक है, मतलब 10.5 लाख की मशीन हो गई। 10.5 लाख अब सर ये जैसे किसी का बजट नहीं है 10.5 लाख रुपए लगाने का, तो किसी को बैंक लोन लेकर ये प्रोजेक्ट लगाना है राइट, तो उसमें फिर आप क्या सपोर्ट करोगे सर? बैंक लोन के लिए उनको मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी हाँ। कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहां से स्टार्ट करेंगे हाँ। बैंक मैनेजर से कैसे बात करेंगे, ये प्रोजेक्ट को डिस्कस करना हाँ। उसके लिए उनको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे लाइक हमारा पूरा कोटेशन लगेगा हाँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा तो हाँ। वो सारी चीजें हम यहां से करवा के देंगे उनको। ठीक है, किसी हाँ। कस्टमर का मान लीजिए कि अभी नामकरण भी नहीं हुआ है ब्रांड का हाँ हाँ। तो उनको नाम ढूंढने में फिर वही नाम का लोगो टैगलाइन फिर उसको ट्रेडमार्क करवाना हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाना हाँ, MSME सर्टिफिकेट हो गया अच्छा, पैकेजिंग हाँ, के ऊपर का कंटेंट हाँ, और उसमें मतलब सेलिंग प्राइस क्या रहेगा हाँ, हम कहाँ कहाँ पे अपना माल बेच सकेंगे, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसका एक पूरा सेशन भी हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत बढ़िया सर, मतलब एक बार उसके विचार आना चाहिए कि मेरे को खाली ये बिजनेस करना है, बाकी आप देखो, बाकी हम कस्टमर को उंगली पकड़ के जब तक उसका फर्स्ट प्रोडक्शन नहीं निकलता तब तक उनके साथ है और लाइफ टाइम के लिए हाँ। वीडियो कॉलिंग सपोर्ट हमारा पूरा फ्री है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, अच्छा सर एक दो चीजें और मेरे माइंड में आ रही हैं, तो ये तीन पार्ट में आएगी भाई ये मशीन, तीनों पार्ट को आपके तक पहुंचाना सर की जिम्मेवारी है ना सर? ट्रांसपोर्टेशन है ना हाँ। हम मतलब पहुंचा देते हैं बट GST एंड ट्रांसपोर्टेशन कस्टमर के एंड पे रहेगा। अच्छा, इसका सर जैसे इंस्टॉलेशन, आज मशीन खरीदा राइट, तो इंस्टॉलेशन सारा सब कुछ आप करा देंगे? वन टाइम का इंस्टॉलेशन भी फ्री है हाँ। फिर 1 से 2 दिन का पूरा अलग से ट्रेनिंग भी रहेगा, जैसे हमारे टेक्नीशियन मशीन उनके वहां पे पहुंचते ही तुरंत हाँ। टेक्नीशियन 1 से 2 दिन में आ जाएंगे हाँ। पूरे मशीन को इंस्टॉल करेंगे हाँ। और उनको मतलब पूरा वर्किंग कंडीशन में देके आएंगे, यस वर्किंग कंडीशन में प्लस कमर्शियल प्रोडक्शन निकाल के आएंगे, पूरा अच्छा। ट्रेनिंग कंप्लीट करके आएंगे, सही है okay. और ये मेक इन इंडिया है, हमारे खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ओके सर, मैंने ये मॉडल समझ लिया। एक जो मशीन में सर ये देख रहा हूँ इसके बारे में भी आपने बताना है, क्योंकि ये रेडी रखा हुआ है मशीन, पूरा मशीन में आपको मतलब रनिंग कंडीशन में भी समझाऊंगा और पूरा मशीन की क्या कॉस्ट है वो भी हम जान लेंगे उसमें। तो मुकेश जी, जैसे हमने मतलब हमारा रिसेंट का RI सुपीरियर मॉडल देखा जी, ये उससे कम लागत वाला RI बेसिक प्लस मॉडल है ओके, कि जिसमें आपको 3 पार्ट में मशीन आएगी, सिंगल फेस की मशीन है हाँ जी, 3 HP पावर में आप इसे इजी टू ऑपरेट कर सकते हो और इसके लिए एक ऑपरेटर के अलावा कोई मेन पावर की जरूरत नहीं है हाँ। और आपको मैं रनिंग मशीन भी शो करूंगा, 1 घंटे का 2000 से 2200 पीसेस का प्रोडक्शन आएगा आपका। ठीक है सर, तो एक बार चला के और दिखा, मैं आपको रनिंग मशीन भी चला हाँ। के दिखा देता हूँ। ये अपना फाइनल प्रोडक्ट रेडी है यूवी स्टेरिलाइज्ड के साथ। ओके, तो मुकेश जी जैसे हमने मतलब डिफरेंट मशीन्स देखे हैं जी, तो इसके साथ आपको बैंड सीलर हो गया पैकेजिंग के लिए, स्टेबिलाइजर हो गया पावर के फ्लक्चुएशन के लिए, वैसे ही हमारे पास ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन हाँ। और ऑटोमेटिक ट्राइफोल्ड मशीन भी है okay. जो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन मशीनों में काफी हेल्प करते हैं, मैन पावर लेस करते हैं जी। और इसके अलावा हमारे पास मतलब रेडी टू स्टॉक रहता ही है मटेरियल हाँ जी, जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑफ वेरिएंट्स मतलब हाँ, किसी को बायोडिग्रेडेबल चाहिए, ऑक्सो डिग्रेडेबल चाहिए हाँ जी, नॉन वन चाहिए, हाइड्रोफिलिक चाहिए, तो सारे
मटेरियल्स और सारे स्टॉक हाई ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी के साथ हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल रहता है। तो मशीन के साथ आपको रॉ मटेरियल का भी मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जीरो कॉस्ट में आपके वहाँ पे पहुंच जाती है पार्टी के वहाँ। तो मुकेश जी ये थे हमारे मशीन का मॉडल। अभी मैं आपको यही मशीन में से निकला हुआ पैड उसका मैं डेमो और प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट करवाऊंगा कि जिसमें हम पूरा ये 60 ml सीरिन की मदद से हम पूरा 60 ml जी वन शॉट में डाल देंगे। हाँ जी। और इसका एब्जर्वेशन और इंस्टेंट ड्राई कैसे होता है वो आप अपने व्यूअर्स को आराम से दिखा सकोगे। जी जी जी। तो ये हमने मतलब लिक्विड डालना शुरू किया है। हाँ। और देखिए इसका एब्जर्वेशन कैपेसिटी कितना फास्ट है और तुरंत इंस्टेंट ड्राई हो जाता है। हाँ। सर ये इंस्टेंट ड्राई सर इसी की कॉस्ट कितनी पड़ेगी जो इस तरह के जो पैड बनाने हैं? यही स्टैंडर्ड मटेरियल जो वीडियो में दिखाया गया है। हाँ। ये वही मटेरियल है मतलब हम स्टैंडर्ड मटेरियल में ही डील करते हैं जी। कि जिससे क्योंकि ये लेडीज के इमोशन के साथ जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है बिल्कुल तो इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सही है। और वापस से हम एक 60 ml लेंगे। अच्छा ये इससे और ज्यादा भी ऑब्जर्वेशन कर सकता है? यस मतलब जो पूरे पीरियड का जो साइकिल रहता है ना। हाँ। उसमें डॉक्टर 40-50 ml बताते हैं। ओके। लेकिन ये हमारा एक ही पैड 120 ml इंस्टेंट ले लेगा। ओके। और उसके बाद भी 30-40 ml का गैप रहेगा। सही है। ये देखिए 120 ml तुरंत एब्जॉर्ब। हाँ, हाँ, सही है सर बहुत बढ़िया। और इंस्टेंट ड्राई। हाँ, और ये है वो जो 3 rupees का सब कुछ मिला करके सारा कॉस्ट निकाल करके। यस सही है। तो आइए मुकेश जी मैं मेरी अपनी टीम से मिलाता हूँ जो सेल्स एंड मार्केटिंग देखते हैं जी। और यहाँ पे पूरा मतलब आपके व्यूअर्स जो भी देखेंगे तो उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा मंडे टू सैटरडे 10 to 6 में। अच्छा। और संडे हॉलीडे रहेगा। ओके। प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा मतलब कोई एक कॉल छूटेगी नहीं 100% नहीं छूटेगी सर। अगर 3-4 lakh rupees का महीने का बिजनेस आप करना चाहते हो प्रॉफिट का मतलब 4-5 lakh rupees महीना कमाना चाहते हो तो ये जो मशीन दिखाई है भाई इससे आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। 10.5 lakh की मशीन है अंकित सर का पूरा ट्रस्ट है। तो भाई आपको पूरा डिलीवरी मिल जाएगी इंस्टॉलेशन मिल जाएगा और पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। आप एक बार यहाँ पे विजिट जरूर कीजिएगा। बैंक लोन के लिए पूरी आपको गाइडेंस मिल जाएगी कोई भी कैसी भी समस्या आपको नहीं आने देंगे ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। तो आप यहाँ पे आइएगा। और एक बात जो भी आपका वीडियो देख के कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे आके मशीन फाइनल करेंगे उनके लिए एक स्पेशल बेनिफिट हम देंगे। चलो ये हमारा वादा है मुकेश। चलो सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच। देखो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ ना कुछ प्लस होना चाहिए सर। डेफिनेटली उसके लिए ही मैंने ये ऑफर दे दिया। सही है सर सही है। थैंक यू। चलो